लालसोट रामगढ़ पचवारा में दो दिनों में चोरी की दो वारदातें होने के बाद रामगढ़ निवासियों के सब्र का बांध टूट गया। रामगढ़ कस्बे में लगातार हो रही चोरियों की वारदातों से परेशान होकर ग्रामीणों ने करीब दो घंटे तक बाजार बंद रखकर आक्रोश जताया। रामगढ़ पचवारा के मुख्य चौक पर ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर आपत्ति जाहिर की। दरअसल बीते दिनों कस्बे के मुख्य चौक के पास खड़ी कार का एक टायर रिम सहित खोल लिया गया। वहीं दूसरे दिन रात को चोरों ने रामगढ़ पचवारा में स्थित निजी विद्यालय से भी 13 पंखे एलईडी बल्ब खोल लिए। फिलहाल ग्रामीणों ने कहा कि अगर 3 दिन में चोरियों का खुलासा नहीं हुआ तो 3 दिन के बाद आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम सुबोधकांत गुप्ता है, रामगढ़ पचवारा में रहते हैं। मुख्य बाजार में हमारा मकान है। मैंने मकान के सामने आगे गाड़ी खड़ी रहती है, बिल्कुल मेरा जस्ट ऊपर कमरा है। इसके सामने रात को 11:30 बजे सोया था। उसके बाद में मैंने सुबह 4 बजे उठ के देखा कि मेरी गाड़ी के पिछले वाले से टायर नहीं था। तो उसके बाद में हम सब लोग इकट्ठे हुए और हम थाने में गए। थाने में जाकर इंसान साहब को बताया, पूरी बात उनको बताया। उन्होंने मार्केट में आए, वो गाड़ी को देखा, सब लोगों से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 3-4 दिन में इस गाड़ी का खुलासा करेंगे, टायर का खुलासा करेंगे। क्या रिपोर्ट दर्ज करवा दी आपने? रिपोर्ट करवा दी सर मैंने, रिपोर्ट दर्ज करवा दी। हाँ, तो थाने के अंदर मार्केट कैसे बंद किया सर? विरोध में अभी। अच्छा। इससे पहले भी 2-3 चोरी हो गई रामगढ़ में, आज चोरी हो गई, तो इसके विरोध में सतर्क रहे पुलिस। अच्छा, दुकानें बंद रखी है आप लोगों ने? दुकानें सर बंद रखी है, दो घंटे दुकानें बंद रही है, 2 घंटे दुकानें बंद रही है। इंचार्ज साहब के आश्वासन के बाद में दुकानदारों ने दुकान खोली है। अच्छा, इंचार्ज साहब ने क्या कहा? 3-5 दिन बाद में इसका खुलासा कर देंगे। 3-4 दिन बाद में, ठीक। क्या मामला है? मेरे स्कूल में, क्या नाम है स्कूल का? 10 एंटाकेडी स्कूल में परसों की रात यहाँ से 13 फैन और एलईडी। कितनी एलईडी? एलईडी 16 एलईडी। अच्छा, और बल्ब और वायरिंग ये सब ले गए यहाँ से परसों की रात को। परसों की रात यानी कल जब सुबह में आया था तब दिन मैंने देखा सारा। उसके बाद में यहाँ थाने गया, फिर वहाँ जाके उनसे मैंने रिपोर्ट के लिए कहा, फिर उन्होंने बोला कि किसी को भेजेंगे। वो लक्ष्मण सिंह जी आए और मौका देखा, तो उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा कि हम आपको फ़ोन करके बताएंगे। उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं। कितने दिन हो गए? 2 दिन के बाद भी आपको कोई जवाब नहीं दिया, ना आपकी रिपोर्ट दर्ज की गई है अभी तक? है अभी तक। स्कूल का नाम एक बार बताइए आप। 10 एंटा किड्स स्कूल। 10 सांता किड्स स्कूल। हाँ। आपका नाम? लोकेश स्वामी। लोकेश स्वामी, आप इसी स्कूल के संस्थापक हो? जी संस्थापक। ठीक है, थैंक यू।